Breaking news. एक आईटी कंपनी खोली जाए जिससे कि यहाँ पर रहने वाले जो बच्चे हैं जिनको बाहर जाना पड़ रहा है और जॉब करने के लिए, उनको हम यहीं बरेली में ही एक अच्छी जॉब प्रोवाइड कर सकें, जिसके लिए हमने एक थीम्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एक सेटअप किया है जो कि डीडीपुरम में है। तो इसका मेन मकसद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना, जिसमें हम तो आप जैसे आप लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल के अंदर एंड्रॉइड एप्लीकेशन होते हैं या वेबसाइट्स जो यूज करते हैं, उस तरह की एक एप्लीकेशन, उन तरह की एप्लीकेशन को डेवलप करना है जो कि बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं फिलहाल के केस में। तो हम ये चाहते हैं कि बरेली में ही इस तरह का एक सेटअप हो जिससे कि बरेली के बच्चे जो जिनको लोगों को बाहर जाना पड़ता है रहने के, मतलब वहाँ पर रह के जो है जॉब करनी पड़ती है और ज़्यादा अच्छा स्कोप भी नहीं निकल पाता, उस चीज़ के लिए हमने बरेली में एक सेटअप किया है और बरेली में ही हमने इसको डीडीपुरम में करा है, और जिससे यहाँ के लोगों को जॉब मिलेगी। साथ साथ जो बच्चे यहाँ से अभी तैयार हो रहे हैं जो कॉलेज में पढ़ते हैं और इनको जो है बाहर जाके ट्रेनिंग करनी पड़ती है, जैसे कि सॉफ्टवेयर जैसे कि जावा हो गया, .NET हो गया, PHP, एंड्रॉइड में बाहर जाके ट्रेनिंग करनी पड़ती है, उसके बाद में ही वो वहाँ पर जो है जॉब के लिए एलिजिबल हो पाते हैं, क्योंकि क्राइटेरिया होता है जिसको एलिजिबल करना पड़ता है। वो सभी चीज़ हम बरेली में ही उनको उपलब्ध करवा रहे हैं ताकि जो है उनको बाहर जाके फालतू के जो स्ट्रगल टाइम जो उनका होता है इस साल, क्योंकि अगर किसी बच्चे का कैंपस सिलेक्शन हो जाता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी कारणवश नहीं हो पाता है तो उसको बाहर। जी आज जी प्रेस बुलाइए, क्या मामला है? हमारा हम एक आईटी कंपनी बरेली में सेटअप कर रहे हैं जिसका मेन उद्देश्य बरेली के लोगों को रोजगार देना जो आईटी कंपनी में काम करना चाहते हैं और विभिन्न नई नई टेक्नोलॉजीज पे जिस पे उनको काम करना चाहते हैं उनको रोजगार देना और साथ में उनको ट्रेन भी करना ताकि वो आगे भविष्य में उस टेक्नोलॉजी पे अच्छे से काम कर सकें। किस प्रकार से आप नौकरी देंगे, किस तरह से आप उसको जोड़ेंगे? देखिए एक आईटी कंपनी है, इसमें सॉफ्टवेयर डेवलप करे जाएंगे, सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए हमको एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी और उन एम्प्लॉयज़ को लिए हम कॉलेज से संपर्क करेंगे, वहाँ से हम बच्चों को, फ्रेशर बच्चे जो होते हैं उनको हायर करेंगे और साथ साथ जो प्रशिक्षित हैं और जिनको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है हम उनको भी हायर करेंगे और उनको एक उचित सैलरी देकर अपने यहाँ काम पर रखेंगे और सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे। क्या एडमिशन फीस रखी है आपने? अभी एडमिशन फीस विचार विमर्श में है, वो उसकी जब फाइनल हो जाएगी तब हम उसको कॉल करेंगे। तो इसमें कितनी क्लास तक के बच्चे ले जाएंगे? इसमें खाली MCA और BTech और MBA बच्चों को सोचा है, प्रोफेशनल कोर्सेज जो करते हैं। कितने साल का कोर्स? कोई कोर्स नहीं कर रहा है, हम कोई कोर्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, हम एक ट्रेनिंग दे रहे हैं जो बच्चे जिनको अच्छी टेक्नोलॉजी में सीखना होता है, जावा जैसे एक नॉर्मल से हम बात करते हैं, जावा .NET PHP सीखने के लिए उनको शहर से बाहर जाना पड़ता है। सर ड्यूरेशन कितनी होगी? ड्यूरेशन जैसे MCA की ट्रेनिंग होती है तो MCA की ट्रेनिंग हम करवाएंगे, ऐसा हम कोई कोर्स लॉन्च नहीं कर रहे हैं, हम सॉफ्टवेयर डेवलप करवा रहे हैं तो हम उनको अपने यहाँ पर हायर करेंगे और उनको हायर करने के बाद में उनको जो प्रशिक्षण जरूरत होगी वो हम उनको देंगे। वो उसको ही जानना चाहते हैं आपसे कि उसका ड्यूरेशन क्या होगा? ड्यूरेशन जितना जल्दी बहुत अच्छा सीख सकता है फिक्सिंग नहीं लेकिन ये जैसे कि एक नॉर्मल सी हम बात करते हैं, जैसे कि MCA फाइनल ईयर में 6 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है तो वी आर रेडी फॉर डेट, हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं।